जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। और नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सेलिब्रिटीज से, पॉलिटिकल लीडर से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब अरशद वोहरा साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद भाई, खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से आप, फर्स्ट क्लास हैं। नाज़रीन, चूँकि हमारे लिए उन्होंने बड़ी अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है, तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। बाकी मेहमान गिरामी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अरशद भाई से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बताएं कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान मुबारक, कैसा रोज़े कैसे जा रहे हैं, इफ्तार पार्टियाँ कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, इसलिए कि वो टीवी पे न्यूज़ चैनल जो है ना, वो पिछले 10 दिनों से देखना बंद किया अच्छा इसलिए अच्छे गुजर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, लेकिन सर जरूरी नहीं होता इंसान के, देखिए न्यूज़ चैनल आईना क्या है, बचा आप क्या है यहाँ पे, आपको अपना ही अक्स नजर आएगा। नहीं, ये तभी तो नहीं देख रहे। अच्छा, अभी तो नहीं देख रहे आप, जब कह रहे हैं कि आप, हम भी अगर उसी में अपने आप को शुमार कर लें तो बेहतर है कि ये जिस तरफ जा रहा है मुल्क, विद ऑल रेस्पेक्ट्स, आप मुझे बता देना कि पॉलिटिकली मैं अब किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी कोई सी एक ऐसी पार्टी का नाम बता दें जिसने इस मुल्क को कुछ दिया हो, इस मुल्क के अवाम को कुछ दिया हो, किसी एक पार्टी का नाम तो भाई। लेकिन जब आप मुत्तहिदा में शामिल, यानी अब वापसी हुई, तो मुत्तहिदा गवर्नमेंट में थी, आप लोग तो गवर्नमेंट में नहीं थे, अब बाय डिफॉल्ट आपको गवर्नमेंट, आप इस बात की, क्योंकि वहां रहते हुए तो आप मुखालफत करते थे ना। जी, हम आज भी मुखालफत करते हैं, आज भी हमारी जो है मीटिंग्स जो होती हैं उसमें बड़ा क्लियरली जो है बात होती है, उसमें जो है जाहिर सी बात है हर एक को अपना अपना ओपिनियन देना है। लेकिन अरशद भाई, आप लोग साफ कहते थे कि जी मुत्तहिदा ने अपने इख्तदार की लत से मतलब नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट वो कर ली। आप जब इस पार्टी में आए तो मुस्तफ़ा भाई और आपकी इतनी तो से होगी ना कि आप कह सकते हैं कि भाई हमने इसकी मुखालफत की थी, या आपका नजरिया ही बदल गया जब आप ये नहीं, नजरिया नहीं बदला, नजरिया नहीं आए तो फिर मुत्तहिदा का नजरिया है, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, बात यह कि यहाँ जो आए हैं, जो एक हुए हैं, इसके लिए एक बड़े कैनवस पे अगर आप देखें तो ये वहाँ एक अलग रिक्वायरमेंट, आगे की चीजें हैं जो अब होंगी, देखें वो एक अलग रिक्वायरमेंट है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम, मैं तो अभी भी यहाँ पे ऑन एयर कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट में रहना इज नॉट द सॉल्यूशन, अभी भी जो है मेरी राय अलग है, किसी और की राय कुछ और हो सकती है, वो गवर्नमेंट में रहने को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब नज़र आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ MQM जो है वो इस चीज़ पर एग्री हैं कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमें या हमारे लोगों से जो किए हुए वादे हैं, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए हैं वो अगर पूरे नहीं कर सकते तो इट इज़ बेटर। ख़ास तौर पर आपका, आप क्या समझ रहे हैं, ये जो आपके सेंसस हो रहे हैं, देखें ये MQM की डिमांड पर सेंसस हुए, आज इस सेंसस में जो आपके साथ होने जा रहा है, जो आपके साथ हाथ कर दिया गया, आपको पता चलेगा ये भी थोड़े दिनों बाद, इवन दो MQM गवर्नमेंट में है, हर एक की रिक्वायरमेंट है अपनी अपनी जगह, आपने वो पढ़ा नहीं अभी कहीं पे के जो है ये कौन सा थरपारकर की एक UC में जो है वहाँ पता नहीं कितने ब्लॉक्स बढ़ गए, तो अच्छा और तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिर्फ एक ब्लॉक बढ़ा है। हुकूमत में रहने से आप लोग मर्दमशुमारी ठीक करा लेंगे? नहीं हुई ना, मैं ये सर, हुकूमत में रहते हुए तो 2017 में, हुकूमत में रहने का मतलब ये कि मर्दमशुमारी, मैं कह तो रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में, आज मर्दमशुमारी करने वाला आ कौन रहा है, मुझे ये बताइए कि वो टैबलेट लेकर आ रहे हैं, टैबलेट लेके वो, अरे आपने कराची के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते ना इसमें, कराची के, आप कराची के लोगों को गिनने के लिए अगर आप बुलाओगे लाड़काना से या चीचू की मलिया से तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना। सर, ये मर्दमशुमारी है, ये सूबाई हुकूमत, मैं आपको गिन के दिखा दूं कराची के, सूबाई हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत का, ये देखें वफाकी हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत इंप्लीमेंट करवा रही है, सूबाई हुकूमत ने अपना स्टाफ लगाया हुआ है सर, इसलिए कि देखें जितने वफाकी उमूर हैं, जब वो सही नहीं चल पाते तो आप सूबाई हुकूमत पे डाल देते, पार्टनर्स तो है ना वो। अच्छा, पीपल्स पार्टी इज पार्टनर विद PMLN सर, सो आर यू, आप भी तो है? हम पार्टनर हैं, हम तो इतने से पार्टनर हैं ना, हमारे को तो जो है शराकतदार चाहे 1% का हो, नहीं 1% वाले को मुनाफा 1% के हिसाब से मिलता है, 50% वाले को 50% के हिसाब से मुनाफा मिलता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, अरे मुनाफा कम है आप लोगों का। हाँ, मुनाफा कम, मार्जिन जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है आप, मुनाफा बहुत कम आ रहा है, मुनाफा इन द सेंस ऑफ डिलीवरेंस टू द पीपल ऑफ कराची, डिलीवरेंस टू द पीपल ऑफ सिंध, आपके अर्बन और रूरल के लोगों को जो डिलीवरेंस हो रही है ना, हमारा मुनाफा वही है, वो बहुत कम आ रहा है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा, अच्छा सर मुझे ये भी बताइएगा कि से है आप लोगों की पार्टी में, यानी जो PSP से आप लोग यहाँ आए हैं तो से रखते हैं, यानी से मेरी मुराद ये है कि आपकी आवाज सुनी जाती है पार्टी में? देखें वहां तो आप एक अपनी अलग पार्टी थी ना, एक अपनी, अब मैं इस चैनल पे बैठा हुआ हूं
अब यहाँ से मैं किसी और जगह जाऊँ जहाँ मुझे सुना ना जाए, यहाँ तो मेरी आवाज है ना, वहां जाके मुझे अपनी आवाज आगे करनी पड़े। देखिए वहाँ पार्टी के जो है चेयरमैन थे मुस्तफा कमाल, सदर अनीस कायम खानी थे, आज इस MQM में कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, आपके जो सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफा कमाल हैं, डिप्टी कन्वीनियर अनीस कायम खानी हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर नसीन जलील हैं, तो ये सब लोग हैं तो सही, ऊपर तो इनकी से है ना सबकी, ये जो चाहते हैं जो डिस्कस होता है वो आपसे। मेरा मतलब यही था कि आपकी पार्टी के सरबराह जो साबिका पार्टी थी PSP उसके सरबराह, मैंने अभी उन्हीं के तो बताया कि वो तो आप वो तो सीनियर डिप्टी कन्वीनियर और डिप्टी कन्वीनियर है ना। अच्छा यानी बात मान बातें मानी जाती है, बातें मानना ना मानना यहाँ तो ये अलग बात है, यहाँ तो ये डिबेट है ना कि आप राइट के लिए लड़ रहे हैं या रॉन्ग के लिए आप लड़ रहे हैं। कुछ इख्तलाफात होना शुरू हो गए आपस में, एक वो ओल्ड स्कूल जो बहादुराबाद है और PSP के जो लोग हैं, आप कुछ भी कर लें लेकिन अभी भी आपस में ये फर्क है कि जी आप PSP से आए हैं या मैं पहले से बहादुराबाद में था, मैं कहीं सर यही फर्क। मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से आया सर, एक बात कही जा नहीं, मैं आप उससे पहले तो PSP से गए थे ना सर, उससे पहले MQM से गए थे, और जिस बिल्डिंग में ये बहादुराबाद में बैठे हैं ना, हाँ, ये अकेले ने खड़े होकर बनाई थी मैंने, आज जितने ये इसमें बैठे हुए हैं ये मैं, क्योंकि मैं उस वक्त सर जब आमिर खान साहब वापस आए थे तो ये बिल्डिंग बनाई थी, तो इस बिल्डिंग से जितनी MQM के लोगों को मोहब्बत उस वक्त थी जब मैं PSP में था, मुझे उस वक्त भी मोहब्बत थी इस बिल्डिंग से, तो ये MQM जो है हम सबका एक असास है। बिल्कुल मुझे सर एक सवाल का जवाब दें, आमिर खान साहब जब वापस आए थे मुत्तहिदा में तो यही बात की जाती थी ना कि जितने साल हकीकी में रहे वो मुत्तहिदा में नहीं थे, अब सीनियोरिटी कम हो गई है, अगर वो यहाँ रहते मुत्तहिदा में तो सीनियोरिटी वो मानी जाती, तो ये बात कही जाती थी या नहीं कही जाती थी, आप बताएं सर। सीनियोरिटी कम तो हो गई, आप लोगों की भी तो कम हुई होगी ना सर, जितने अरसे आप लोग PSP कम होनी थी उनकी कम हो गई, जिनकी बढ़नी थी उनकी बढ़ गई। अच्छा तो अब क्या देख रहे हैं सर, मुझे ये बताएं, चले ये जो बल्दियाती इंतखाबात हो गए, ये जो बायकॉट हुआ, ठीक है यानी अब बायकॉट कहें दस्तबरदारी कहें, सर बायकॉट नहीं कह सकते, वो कहीं और से ऐलान हुआ था बाहर से मुल्क से, इसलिए आप लोगों ने दस्तबरदारी की, सही था सर ये, आप लोग बड़ी तैयारी कर रहे थे इलेक्शन की। लेकिन अगर आपको इसकी हकीकत का पता चले ना, हाँ, तो आप कहेंगे कि ये फैसला सही किया था। अच्छा आप थोड़ा थोड़ा पता है सर, देखें आज अगर MQM ने हिस्सा लिया होता ना, हाँ, तो आज MQM का मेयर होता, मेयर होता के पास मैक्सिमम सीट्स होती। सर लोग तो कह रहे हैं वॉशआउट हो जाती है, नहीं इज्जत बचाई, तो फिर आप फिर आपके इंफॉर्मेशन ही गलत है सर, आपके लीडरों ने कहा, मैं नाम नहीं कोट करना चाहूँ, मुझसे कहा डायरेक्ट, फिर आप मैंने पूछा सर, मैंने दो तीन टॉप लीडरशिप से पूछा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, नहीं सर मैं आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, मुझसे गलत कह दिया उन लोगों ने, लेकिन मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कन्वीनर और डिप्टी कन्वीनर लेवल की, नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने ये कहा कि जी इस वक्त बेहतर ये इज्जत बचाने का एक तरीका, अगर इलेक्शन लड़ती तो MQM इलेक्शन बड़ी वाजे अक्सरियत से जीत जाती, ये देखिए ना आपके सामने हिस्टोरिकली है ना, आप जब जब MQM ने बायकॉट किया है जमात इस्लामी जीती है, हाँ, उसके अलावा तो जमात इस्लामी का कोई आप कभी जिंदगी में आप बता देना कोई लेकिन सर ये कुछ सीटें जो कौमी असेंबली की निकली ना माजी, हाँ, में कभी ये नहीं हुआ कि PTI 50,000 वोट ले ले, या इमरान खान या महमूद मौलवी आपके कैंडिडेट को हरा दें जबकि आप मोहित अनवर साहब खड़े हुए हो सर, लेकिन माजी में ये भी तो नहीं हुआ। PTI का भी PTI आपको पता है ना, कराची की पर्टिकुलरली अभी एक हवा चली हुई है PTI इमरान खान, वो ये इमरान खान जो है ना बड़ा सही कहा था मेरे ख्याल से, एक दफा किसी ने कहा था, मैंने कोट नहीं कर रहा कि इसी इमरान खान की जयसूर्या वाली शक्ल होती ना, हाँ, तो फिर पूछते कि कितने इसके फॉलोअर्स हैं, बात ये पॉपुलर तो फिरौन भी था, ठीक हाँ, है ना, हाँ, पॉपुलर तो फिरौन भी था, पॉपुलर तो हिटलर भी था, हाँ पॉपुलर होना अलग चीज होती है, डिलीवरेंस आपने जितनी ज्यादतियां इस इमरान खान ने कराची के साथ की है ना, जितनी ज्यादतियां इसने की हैं, इसने 280 पे कौम भूली नहीं है, जब जावेद मियांदाद को हैदराबाद में डिक्लेयर कर दिया था, कराची के लड़कों को तो ये खिलाता ही नहीं था, कराची को तो इसने इस्तेमाल किया, आज भी कराची की कौम के आगे से आंखों पे से पट्टी हट जाए तो उनको समझ आए, ये तो कराची की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये बातें आप बताते हैं नौजवानों को, उनको पता चले या नौजवानों को पता चल रही है, आस्ता आस्ता पता चल रही है, देखिए वो बुखार खत्म होता जा रहा है, आस्ता आस्ता वो बुखार खत्म होता जा रहा है। मैं देखे इस वक्त कराची के लोगों को खुद अपने बारे में सोचना होगा, सिंध अर्बन के लोगों को खुद अपने बारे में सोचना होगा, यहाँ पे आप देखें पीपल्स पार्टी जो है उसने इस तरीके की एक प्लानिंग की है कि पीपल्स पार्टी जो है सिंध में, अब आपने देखा होगा सैलाब में वो एक साहब एक बेचारा गरीब किसान था, वो कहता खेत भी तबाह तो घर भी तबाह, तो उससे कहा फिर तुम्हारे को तो बचाया नहीं पीपल्स पार्टी, कहता वोट फिर भी पीपल्स पार्टी को दूंगा, ठीक है ना,
वो मजबूर हैं सर, ऐसे ही जिस तरह एक वक्त में हुकूमतें आपके खिलाफ कैंपेनें चला रही थी और कराची लोग के बालों से पूछते थे कि वोट किसको देंगे, वो कहते थे वोट MQM का या अंबानी लंदन का देंगे, देंगे इंशाल्लाह। सर ये पहले नहीं हुआ है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हन चेंज हुए, फिर होगा। पहले वो भी कहते थे MQM ने, MQM के दौर में एक चीज तो थी ना कि कराची वालों को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन था, ठीक है ना, एक उन्हें था कि भाई ठीक है अब आवाज अगर 10 डिग्रीज पे उठानी थी और आपने 5 डिग्रीज पे उठाई है या 2 डिग्रीज पे उठाई है, उठानी तो आपको 10 डिग्रीज पे थी, ठीक ठीक, तो अब आप 10 डिग्रीज पे उठाने पे मजबूर होंगे। आपने कहा कि ये प्लानिंग के तहत कराया गया और मेयर आपका होता अगर आप लोग इलेक्शन लड़ते, लेकिन आपको बैठा दिया गया, तो सर क्यों कॉम्प्रोमाइज कर बैठाया नहीं गया, आप किसने कह बैठा दिया गया, हम तो हमारे तो पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी पड़ी हुई थी और लोग पड़े हुए थे कि आप सरदार होने को बैठा गए आप, नहीं 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 हमारे पीछे लोग थे कि आप खुदारा इलेक्शन लड़ें, आप इलेक्शन लड़ें, आप देखें जब पीपल्स पार्टी ने एक चीज एक्सेप्ट कर ली है कि वो 53 या 54 जो यूनियन काउंसिल हैं, पीपल्स पार्टी ने एग्री कर लिया कि ये यूनियन काउंसिल हमने मिस कर दी है, तो क्या कौम ये नहीं पूछती कि आप एक तरफ तो इस चीज को एग्री कर रहे हो कि 54 यूनियन काउंसिल जो हैं जो कि एक शहर मुल्तान के बराबर है, ये तो पहले से डिसाइड हो गया था ना जब ये सारी मीटिंग्स हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सर आप वो तो पहले ही सिंध हुकूमत ने अपना नोटिफिकेशन ही कैंसिल कर दिया था डिलिमिटेशन वाला, आ गया ना पहले तो डिलिमिटेशन का लेटर कैंसिल कर दिया था, हो गया, इज दिस द अचीवमेंट सर, दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट बट इट्स यूजलेस, ये बहुत नहीं, उसकी वजह ये है कि इंतखाबात हो चुके हैं, असल में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है सर कि 4 साल तक मैं तो हालांकि छोटा सा आदमी हूं, मेरे पे भी वो क्या कहते हैं अदालत में, आपसे सवाल ये करना चाहता हूं अदालत ये जो है फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जब एक नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन की बेस पर आपके इलेक्शन जो हुए हैं वो अनजस्टिफाइड इलेक्शन है, आप कह भी रहे हो कि इस घर में जो है वो 300 लोग रह रहे हैं और सिर्फ अब वोटिंग का जो है 240 लोगों को दे रहे हो, इसको कोर्टों में मजीद आप करेंगे परसों, क्या ऑलरेडी MQM की दरखास्तें नहीं सुनी जाती हैं, बहुत सारी चीजें जाते जाते सुन के तो गए, वो क्या नाम था वो जस्ट वो एक सिर्फ आपका जो 140A वाला जो आ गया बल्दियाती नल वाला टावर तोड़वा दिया था, अब वो कह रहे हैं कि वो भी गलत किया, अब वो बना के देंगे क्या, ये सुप्रीम कोर्ट बना के देगी, हुकूमत बना के देगी अगर कह रही है नहीं, वो कह रहे ना कोर्टें कह रही ना वो भी गलत हो गया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुप्रीम कोर्ट नोटिस के वाले से कुछ जजेस जो अराकीन है उनका वो है, लेकिन सर मेरा आपसे पूछना ये है बर्बाद कर देते हैं 4 साल तक के लिए, फिर उसके बाद बोलते हैं सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM या PSP तमाम लोग 4 साल के लिए तो अब आउट हो गई ना बल्दियाती निजाम से, आप लोग तो सवाई एडमिनिस्ट्रेटर जो आप अभी हैं जो 3 आपने 4 में से एक तकरीबन गुजर गए, हाँ तो सर आप बताएं आप मुझे आप कैसे ले, आप 4 साल तक आउट रहेंगे बिल्कुल कराची के मामलात से, नहीं आउट रहेंगे, अच्छा वी विल सर्व द पीपल, कोई तरीका है वापस आने का, वापस आने का नहीं आपको जरूरी है कि बल्दियात के थ्रू ही आप सर्व करें, सर बहुत बड़ी चीज है ना, देखिए बल्दियात तो बल्दियात है ग्रास रूट लेवल पे आप कनेक्टेड होते हैं, हम आपको कराची की आवाम को हैदराबाद की आवाम को पूरे पाकिस्तान की आवाम को आर्टिकल 140A इन इट्स ट्रू सेंस मिल जाता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट से अमेंडमेंट हो जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती हैं, तो हमारे लिए ये अचीवमेंट बड़ा है बजाय इसके हम 4 साल के लिए बल्दियात में बैठ के हुकूमत करें, ठीक। अच्छा सर मुझे बताएं कि मेयर किसका देख रहे हैं कराची में आप मौजूदा इंतखाबात के बाद, ये जो अभी हुए हाँ हाँ बल्दियाती इंतखाबात, मैं तो किसी का भी नहीं देख रहा, अच्छा किसी का आएगा ही नहीं, आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, नहीं अभी काम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब सर एडमिनिस्ट्रेटर आपका है 3 वो किसका एडमिनिस्ट्रेटर, सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर है भाई सर, आपकी फरमाइश पे डॉक्टर साहब को लगाया गया है, शकील भाई को लगाया गया ईस्ट का, बाकी लोग सर कैसी बात, अरे मेरी फरमाइश पे लगाना है, MQM की फरमाइश पे लगाना है, तो फिर MQM के किसी बंदे को लगा देना, यार सरकारी अफसर पसंद नापसंदीदा होते हैं ना सर, इतने सीनियर आप माशाल्लाह, देखिए सरकारी अफसर अगर डॉक्टर साहब को MQM ने रिकमेंड किया है, मुर्तजा वहाब को लगा रहने देना सर, हैं तो मुर्तजा वहाब ने क्या पढ़ाई थी सर, पॉलिटिकल पर्सन उर्दू स्पीकिंग थे, मुर्तजा वहाब इज अ पॉलिटिकल पर्सन, तो किसने हटवाया मुर्तजा वहाब, ये तो सरकारी अफसर है, ये म्युनिसिपल कमिश्नर पे, किसके कहने पे हटाए गए मुर्तजा वहाब और उसके बाद सैफ उर रहमान, मुर्तजा वहाब कैन नॉट बी एन एडमिनिस्ट्रेटर सर, आप कह रहे हैं ना वो डॉक्टर सैफ जो है, देखिए डॉक्टर सैफ बात ये, आप डॉक्टर सैफ को बना सकते थे, रशीद सोलंकी को बना सकते थे, XYZ किसी को भी बना देते जो सरकारी अफसर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बन सकता है, मुर्तजा वहाब बेशक बहुत अच्छे होंगे लेकिन
वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना। ये पॉइंट आउट आप लोगों ने किया कि जी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए। अब जीते हैं ना कुछ सीटें जीते हैं, और अगर आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं तो कर लें कुछ थोड़ा सा इधर उधर कर करा के कर लें। लेकिन आपका ख्याल ये है कि मेयर नहीं आना, एडमिनिस्ट्रेटर ही चलाते रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर है सर एडमिनिस्ट्रेटर, वही चलाते रहेंगे डॉक्टर सैफ और आप। मुझे तो सच्ची बात ही नहीं नजर आ रहा, नहीं लग रहा। वैसे तो इस मुल्क में जो भी हो जाए उसके होने के बाद कहो गया हो गया, अदरवाइज कोई आपकी प्रेडिक्शंस जो है ना सर, हल क्या निकलेगा, क्या हल देते हैं आप? मैं तो वक्त कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा ना आप क्या समझते हैं क्या हल जो है ना प्रेजेंट सिनेरियो में। अगर आप सही पूछे ना तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोग फेलियर्स हैं, फेलियर्स हैं तमाम लोग, तमाम लोग। और उसकी जो उसकी बुनियाद डाल के जो शख्स गया है ना, जो बीज बो के गया है, वो इमरान खान, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। चार साल साढ़े चार साल जिस तरीके से उसको सपोर्ट मिली है, जिस तरीके से उसको इंस्टीट्यूशंस की, पर आपकी पार्टी भी तो साथ थी चार साल। मैं कहता रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ ये लोग भी फेलियर थे, ये सब जो भी साथ था चार साल एवरीबडी इज फेलियर। आप लोग तो नहीं थे लेकिन मुत्तहिदा कौम भादरबा तो थी ना सर। मैं देखे मैं तो कह रहा हूँ जो भी था साथ में, देखे रियलाइज करते हैं ना, लेकिन आप फेलियर नहीं है। अब जो लोग साथ हैं इस हुकूमत के वो फेलियर नहीं है। नहीं नहीं, ये हुकूमत भी फेलियर है ना, क्या डिलीवर किया? मैं तो आपको कह रहा हूँ आपने मुझसे पूछा निजाम का, मैं आपको कह रहा हूँ तमाम निजाम इस वक्त फेलियर है। इस वक्त जो है इस वक्त इस मुल्क को, आपके जो वज़रा हैं वो इस वक्त इस मुल्क को एक ऐसे इंटेलेक्चुअल सिस्टम की जरूरत है, एक ऐसे देखें ये जो मैं तो मेरा तो बिलीफ नहीं रहा, मेरा बिलीफ जमहूरियत वगैरह ये सब जो चीजें हैं ना, आप अच्छे लोग हों, अच्छे लोग आए जो डिलीवर करना चाहता हूँ। देखिये आप शौकत अजीज का भी एक दौर था ना, हैं शौकत अजीज को कहते थे बाहर से आ गए, हमारे यहाँ तीन पार्टियां हैं, आपने छह पैसे उन्होंने जो है छह साल में डॉलर को फ्लक्चुएट नहीं होने दिया, आपके जो है ये आईएमएफ के कर्जे सारे तमाम उन्होंने चुका दिए। आप चाहते हैं कोई बाहर से आके वजीर आजम बन जाए? नहीं, पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत हैं। नहीं तो सर आप इंटेलेक्चुअल्स की टीम जमा करें। अच्छा आप आपके ख्याल में कोई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाए? टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आनी चाहिए बिल्कुल। आइन में गुंजाइश है कि दो साल तक ये जो प्लान सुनने में आता है, आइन आइन खुदा ना खास्ता मतलब ये आइन के बारे में कोई ऐसी बात ना बोल दीजिएगा कि मैं बाहर निकलते अंदर हो जाऊं। हमारे ऊपर आइन भी तो हम ही ने बनाया है ना, हम ही ने बनाया है, बनाने वाले हम तो है ना। बिल्कुल सही बात है, मतलब जो अब बनाने वाले अगर हम ही हैं तो फिर हमारी अगर मेंटेलिटी ऐसी है, हम अपने हस्ब जरूरत जो है, लेकिन अगर बनाना था तो एक दफा बना देना, आज उसमें पता नहीं कितनी तो अमेंडमेंट्स आ चुकी है। जी जी, और हर अमेंडमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से आई है। अब हल क्या देख रहे हैं सर, क्या होगा? देखें आप कह रहे हैं कि अब हल का काम खत्म, इसका मतलब है पॉलिटिकल नहीं, ट्रैक्टर चाहिए, टेक्नोक्रेट लोगों को जमा करके हुकूमत बना देनी चाहिए, ये कह रहे हैं सर? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छे लोग लें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी पॉलिटिकल थॉट रखने वाले हो, अच्छी पार्टी से हो लेकिन अच्छे लोग हो, तो ये सिलेक्शन कौन करेगा सर? जो चला रहे मुल्क को 70 साल से। अच्छा वो सिलेक्शन करेंगे, करें तो आप समझ रहे हैं कि अभी तो प्रूव करें, आप समझ रहे हैं कि मार्शाल्लाह का भी वो हो सकता है या क्या? मार्शाल्लाह के बगैर भी अभी अभी तो देखे ना, आपकी ज्यूडिशरी इटसेल्फ जो है वो एक झगड़े का शिकार हुई हुई है, ठीक है? ज्यूडिशरी खुद कॉल कर सकती है फॉर नेशनल गवर्नमेंट, फॉर अ नेशनल गवर्नमेंट ज्यूडिशरी कॉल कर ले तो फिर बात वो हो जाएगी, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन आप समझते हैं हल यही है, हमारे मुल्क में सब कुछ पॉसिबल। ठीक है बिल्कुल, तो एक्सेप्टेबल वो होना चाहिए जो आवाम के लिए बेहतर हो। अभी तक अच्छा, तो लंदन में जो लीडरान बैठे हुए आ सकते हैं पाकिस्तान या नहीं? मैंने लीडरान कहा है एक नहीं। हाँ आना चाहे तो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आना चाहे तो आ सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है, पाबंदी तो किसी की तरफ से कोई नहीं है। अच्छा यानी आप समझते हैं अपना ग्रीन सिग्नल और फ्लैग लगे हुई गाड़ी देखकर अगर कोई आएगा तो गलत है ना फिर? सही बात है, वरना तो फिर ये है कि सर क्या मैसेज देना चाहेंगे रमजान के हवाले से? देखें रमजान के हवाले से तमाम पाकिस्तानियों को हम वी आर प्राउड, देखें हमें अल्लाह ताला ने एक मुसलमान मुल्क की हैसियत से हमें एक एटॉमिक पावर भी हमें बनाया हुआ है। आज हमारे लोग जो हैं मतलब ये कि आपके अंदर नेशनलिज्म होना चाहिए, आप नेशनलिस्ट हों, आप जो है अपने मुल्क के लिए, मुल्क में खास तौर पर आपका जो है गरीब तबका है उसके लिए जो है आप सब लोग जो है मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस मुल्क को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ तो हमारे लोग आज ये बात कर रहे होते हैं कि क्या इस्लामी एटॉमिक मुमलकत अपने एटॉमिक असेट्स का सौदा करेगी, क्या उस वर्ष पे ले आए हैं कि आज वो सौदा करेगी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम एज ए कौम हमें मुत्तहिद रहना चाहिए और हमें बिलखसूस अपने से नीचे जो लोग हैं उनको देखना चाहिए और उनकी बेहतरी के लिए हमें काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद बोला साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नाज़रीन एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, देखते रहे हमारी खुशी में शुआत रमजान अल करीम।
वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज की खसूसी नशरियात हैं और सिलसिला है मेरा पहला रोजा। अब मेरा पहला रोजा से आप यकीनन समझ गए होंगे कि हमारा ये वो सेगमेंट है जिसमें बच्चों की रोजा कुशाई होती है। अच्छा नाज़रीन, एक बात मैं जरा क्लियर यहाँ ये करना चाहूंगा कि बच्चे जितने रोजा कुशाई में बैठे होते हैं, जरूरी नहीं है कि इन सबका रोजा हो। उसकी वजह यह है कि बच्चों में हमारे यहाँ भी घरों में जब रोजा रखवाना शुरू करते हैं तो पहले इफ्तार पर बैठाना शुरू करते हैं, उसके बाद उनको इसी तरह करते हैं कि जी अच्छा मगरिब वो असर से रोजा रख लो बेटा, आधे घंटे का रख लो, एक घंटे का रख लो, आहिस्ता आहिस्ता आधा रोजा रख लो। तो इस तरह जो बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनकी जो है ना दिल आजारी नहीं करते, उनको अपने साथ बैठाते हैं, इफ्तार करवाते हैं। इसका ये मत आप समझा कीजिए कि जो बच्चे छोटी एज के हैं वो जरूरी नहीं है कि रोजा रखें, लेकिन एक खुशी, एक फेस्टिविटी और उनको आदत डालने के लिए हम इस सेगमेंट में उनकी शिरकत कराते हैं। जी बेटा, आप अपना नाम बताइए। जी माहम। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर्थ में पढ़ती हैं, माशाल्लाह। चले आपका तो माशाल्लाह रोजा है, और कैसा लगा? मुश्किल तो नहीं हुई? गर्मी बहुत थी आज, नहीं फील हुआ? चले गुड है, गुड है। ये छोटी का नाम क्या है गुड़िया का? ज़ैनब। ज़ैनब नाम है, अरे वाह माशाल्लाह। स्कूल जाती हैं भी आप? नहीं जाती हैं। कौन सी क्लास में? KG 2 में है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप बताइए? सकीना। माशाल्लाह भाई, ज़ैनब और सकीना क्या जबरदस्त नाम रखे हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? KG 2 में। भाई ये तो बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, इतनी सी KG 1 में और आप KG 2 में हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको दीजिएगा माइक। अस्सलाम वालेकुम। उधर उधर कैमरा वो है। हाँ वालेकुम सलाम बोलिए। आवाज ही नहीं आ रही, क्या कहा? मैंने कहा वालेकुम सलाम। अच्छा क्या नाम है आपका? आयजा। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? वन में पढ़ती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें बहुत अच्छी बात है। चलें अभी हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थ्री में। आपको तो बहुत जोर से रोजा लग रहा है मेरे ख्याल में, है? लग रहा है? नहीं लग रहा, पक्की बात है? कुछ सुनाएंगे जी? कुछ हमें कोई कलाम सुनाएंगे, कोई नात सुनाएंगे? थोड़ा आप साइड में जाओ बेटा, थोड़ा सा इधर हो। हाँ इशाबा, आप थोड़ा सा और इधर हो। हाँ जी, कोई नात सुनाएंगे? सुनाए हो जाए। हाँ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बस ये इतना तो याद है ना, बहुत जबरदस्त भाई शकील मदनी साहब की ये इसका ये सलाम पेश करते हैं। और इत्तेफाक से मुझे शकील मदनी साहब से अभी ये सलाम की दरख्वास्त करनी थी, वो आपने पूरी कर दी, माशाल्लाह। क्या कहने शकील भाई, देखिए कितनी जबरदस्त अंदाज मिला। ये माइक दीजिएगा भाई, बहुत जबरदस्त। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ हम ये तो बताएं कि पर्ल कॉन्फेक्शनरी की जानिब से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कैसे होगा? पर्ल कॉन्फेक्शनरी की जानिब से ये गिफ्ट है। और आज से हमारे साथ माशाल्लाह वाइटल टी मौजूद है इफ्तार में जो है, और सहरी में दो टाइम। यकीन करें अगर चाय इंसान ना पिए तो रोजा काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ्तार में फौरन बाद जो है ना सर का दर्द चाय से ही खत्म होता है, ये आपको मैं बताऊं। इसके अलावा पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, वेरी हेल्दी वेरी यम, ये आप देख रहे हैं। आज जो मैं बादाम ज़ाफ़रान फ्लेवर का बहुत दिनों से जो तस्करा कर रहा था, आज ये बादाम ज़ाफ़रान मिल्क आपके सामने है। बेहतरीन इसका टेस्ट है जनाब, पुराने शरबत का टेस्ट आपको याद आ जाएगा, बादाम के शरबत का। और जनाब दिल पसंद की जानिब से ये दिया जा रहा है। बहरहाल ये तमाम हमारे गिफ्ट थे। और अब मैं शकील भाई, वक्त नहीं बचेगा, दो मिनट टोटल बचे हैं, हमें दुआ पे जाना है। और डॉक्टर माना भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनका भी हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। शकील मदनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अब ये कबूलियत की घड़ी होती है, दुआ फरमा दें सर हम सबके नसीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي ألف ألف مرة بعدد كل ذرة بما تحب وترضى إله العالمين تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما ہمارے روزوں کو عبادتوں کو تراویحوں کو قبول فرما مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہم گناہگار ہیں بہت گناہ کیے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو اس دنیا سے پردہ پا چکے قبروں کی زینت بن چکے ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا امين ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب اور افطار کا وقت ہوگا کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہے ہماری ٹرانسمیشن رمضان الکریم